जब भी कहीं हम एलियंस के बारे में देखते या सुनते हैं, तब हमारे मन में एक ही ख्याल आता है कि ये एलियंस दूसरे देशों में ही क्यों नजर आते हैं, भारत में ये एलियंस दिखाई क्यों नहीं देते। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं दोस्तों। इंडिया में भी एलियंस या उनके यूएफओ को देखे जाने की कई खबरें आती रहती हैं, लेकिन हमारे देश में एलियन या यूएफओ के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, इसलिए उन्हें कभी यूएफओ जैसी कोई चीज या रहस्यमय रोशनी आसमान में दिखाई देती है तो वो उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। इसी अज्ञानता की वजह से ही एलियंस की खबरें हम तक नहीं पहुंच पाती है। 2020 के लॉकडाउन के समय देश के अलग अलग जगहों से यूएफओ के देखे जाने की कई खबरें आ चुकी हैं। अगर आप उस पर अलग से वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आज हम भारत के छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, जहां हमें प्राचीन समय में एलियन के आने के पुख्ता सबूत मिले हैं, जिससे विशेषज्ञों में यह बहस छिड़ गई है कि क्या छत्तीसगढ़ में भी कभी एलियंस आए थे। छत्तीसगढ़ की राजधानी से 130 किलोमीटर दूर कांकेर जिले में चरामा नाम की एक जगह आई हुई है, जहां विकास खंड के गोटी टोला और उदय कुंड की जगह पर से ऐसी कई शिलाचित्र मिले हैं जिसमें यूएफओ और एलियन को दर्शाया गया है। ये शिलाचित्र लगभग 10,000 साल पुराने हैं। तो क्या 10,000 साल पहले छत्तीसगढ़ में एलियन आए थे? ये प्राचीन चित्र गुफा के अंदर पत्थरों पर बनाई गई है। इन चित्रों को प्राकृतिक रंगों से बनाया गया है और इतने साल बीत जाने के बावजूद भी ये चित्र आज भी सही सलामत हैं। इन शिला चित्र में कान और मुंह के बिना के लोगों को दर्शाया गया है। हो सकता है कि वो किसी तरह का स्पेस सूट हो। इनके हाथ और पैर भी हैं और दूसरे कई चित्रों में तो इनके विचित्र बड़े मुंह भी हैं। एलियन की तरह दिखने वाले इन विचित्र लोगों के हाथ में हथियार भी दिखाई दे रहा है। कितने शिला चित्र में तो ये स्पेस सूट पहने भी दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, वहां यूएफओ का चित्र भी बना हुआ है। भारतीय पुरातत्वविद जेआर भगत का इन शिलाचित्र पर कहना है कि गुफा के अंदर बने हुए इन शिलाचित्रों में एलियन और यूएफओ को इस तरह से बताया गया है जैसे आजकल की फिल्मों में बताया जाता है। इन शिलाचित्रों में हेलीकॉप्टर जैसी दिखने वाली आकृति बनी हुई है, जिसमें हेलीकॉप्टर के ब्लेड, रोटर और लैंडिंग के लिए स्टैंड को भी दर्शाया गया है। हो सकता है कि शायद आदि मानव ने यह सब अपनी आंखों से देखा होगा और उसके आधार पर ही उन्होंने ये चित्र बनाए होंगे। रिसर्च से ये पता चला है कि प्राचीन काल में आदि मानवों ने दूसरे ग्रह के लोगों को देखा था। उन आदि मानवों ने उनके यूएफओ को बहुत करीब से देखा होगा, जिसकी वजह से उन्होंने इतने सटीक चित्र उनके बनाए हैं। चरामा और उसके आसपास के गांव में इस शिला चित्र से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। कई लोग तो इस शिला चित्र को अपने पूर्वजों का तोहफा समझकर इसकी पूजा करते हैं, तो कितने ही अपने पूर्वजों की कही हुई कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि हमारा ये गांव बहुत ही विशेष है। यहाँ सदियों पहले रोहिला नाम के लोग आसमान से आए थे, जो दिखने में बौने थे। वो अजीब से उड़ने वाले यान में आते थे और हमारे गांव के एक दो लोगों को अपने साथ ही ले जाते थे। जो भी उनके साथ जाता था वो कभी भी वापस नहीं आता था। इस तरह की मान्यताएं यहाँ फैली हुई हैं। एलियन और यूएफओ के इन शिला चित्रों पर अभी काफी संशोधन चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुरातत्व विभाग ने इसरो और नासा से इस मुद्दे पर मदद करने की अपील की है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के सिरपुर जिले में भी एलियन के होने के सबूत मिले हैं और इसकी जांच के लिए अमेरिका की एंसेस्ट एलियन की टीम काम कर रही है। ये वही टीम है जिसे आपने हिस्ट्री चैनल के मशहूर शो एंसेस्ट एलियन में देखा होगा। इस खोज का क्या नतीजा आएगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी के लिए तो हम इतना कह सकते हैं कि लगभग 10,000 साल पहले एलियन जरूर भारत आए थे और ये शिला चित्र उनके ही सबूत हैं। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।